जगन्नाथ जगन्नाथ महतो का पुतला क्यों जलाया, क्या विरोध है आप लोगों का? जगन्नाथ महतो जी का पुतला इसलिए जलाया गया कि जब झारखंड सरकार ने सभी लगभग सभी जिलों में भोजपुरी अंगी का मैथिली मगही को मान्यता दी है, तो जगन्नाथ महतो उन दो जिलों में क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या जगन्नाथ महतो सरकार के निर्णय के विरुद्ध हैं? हम लोग यहाँ पे जन्म से हैं, झारखंड अलग आंदोलन में हमारे भी पूर्वजों ने लाठी खाई है, हमारे पुरखों ने लाठी खाई है। वो जानबूझकर जगन्नाथ महतो हम आदिवासी और मूलवासी लोगों को भाषा के नाम पे बांटना चाह रहे हैं, जबकि जब आप सरकार के मंत्री हैं और सरकार ने इसको मान्यता दी है, तो फिर आप क्यों भाषा के नाम पे लड़ाना चाहते हैं? क्या आप इसे बोडोलैंड बनाना चाहते हैं? मैं जगन्नाथ महतो जी को चुनौती देता हूं और चेतावनी देता हूं कि हम उसी डेमोसाइल की धरती पे खड़े हैं और हमको पुनः उस डोमोसाइल का लड़ाई के लिए मजबूर मत कीजिए, बोडोलैंड मत बनाइए झारखंड को। अन्यथा आप जिस प्रोजेक्ट भवन में बैठते हैं ना, उसका ईंट से ईंट बजाने की क्षमता हम लोग रखते हैं, उस प्रोजेक्ट भवन का ईंट से ईंट बजाने का क्षमता हम लोग रखते हैं। मैं उनको ओपन चैलेंज देता हूँ, आप भोजपुरी मगही अंगिका मैथिली का विरोध करते हैं, आप जिस विभाग के मंत्री हैं उस मंत्री में इन भाषा के लोगों को हटा के आप काम करके दिखाइए, है क्षमता आप में, है कुवत? आप केवल झारखंड के हमारे आदिवासी भोले भाले आदिवासी भाइयों को बहका कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। इसका करारा जवाब मिलेगा जगन्नाथ महतो जी, भाषा के नाम पे लोगों को लड़ाना बंद कीजिए, नहीं तो हम पुनः आज सड़क पे उतरे हैं और इस आंदोलन प्रोजेक्ट भवन जिस सचिवालय में बैठ के वो शिक्षा विभाग चला रहे हैं ना, उस घुसने नहीं देंगे उनको, किसी कीमत पे घुसने नहीं देंगे, हम ओपन चैलेंज करते हैं उनको। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप तिवारी। भोजपुरी और मगही का तो विरोध वहाँ धनबाद में भी, वहाँ पर लाखों लोग सड़क पे उतरे हैं, तो उनको क्या बोलिएगा आप? वो तो उतर के लोग, वो लाखों लोग तो जगन्नाथ महतो के बाकायदे में उतर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कांग्रेस की विधायिका है उन्होंने भी विरोध किया है इसका। जब सरकार लागू कर रहा है तो वो क्यों विरोध में है? सरकार वो तो इस्तीफा दे, ओपन बात है, आप इस्तीफा दे के विरोध कीजिए ना, एक तरफ गुल्ला में जो गुलगुला भी खाई गए तो परहेज कीजिएगा, ऐसा नहीं चलने देंगे। ये जो 1932 हथियार की बात हो रही है, आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, लागू होना चाहिए नहीं होना? देखिए हमारा यही कहना है और जहाँ तक मुझे पता है, हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं तो हम यहाँ के निवासी है। 32 का खतियान का वो लोग कितने आदिवासी भाइयों के पास 1932 का खतियान होगा, वो सर्वे कर आगे दिखा ले। ये झूठे केवल एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का, जिसका अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।